दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI आज खतरे में क्यों है। इसलिए नेताओं के जैसे आधा अधूरा काम मत करिए, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को भी दबाइए। दोस्तों सरकार पार्लियामेंट में DPB यानी कि डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाने की तैयारी में है। जानकारों की माने तो ये बिल देश के लिए बेहद जरूरी है, मगर इस बिल की आड़ में सरकार एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। समझे नहीं समझे, चलिए हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल इस बिल के आने के बाद सरकार RTI को कमजोर करने के प्रयास में। दोस्तों RTI आम आदमी का वो हथियार है जिसे बड़ी से बड़ी सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। इतिहास गवाह है कि लोगों ने सरकारों पर RTI के तहत सवालों की ऐसी बौछार करी कि सरकार उन सवालों का जवाब देते देते अपने सिर पीटने लगी। बस इसी बवासीर को हटाने के लिए सरकार ये बिल लाने पर अड़ी है। दोस्तों 2005 में आए सूचना के अधिकार का इस्तेमाल लोगों ने बखूबी किया, लेकिन आज उसी अधिकार पर बहुत बड़ा प्रहार होने जा रहा है। इस नए बिल में साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में कुरेद कुरेद कर ये लिखा गया है कि संसद में इस बिल के पारित होने से RTI कमजोर पड़ जाएगा, यानी गली की हड्डी। खैर मोटा मोटी सीधी सी बात यह है कि हम और आप सरकार से कोई भी सूचना नहीं ले पाएंगे। दोस्तों सरकारी बैंकों के पास बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा आता है और ये लोग फुर्र से उड़ जाते हैं, फिर बैंक्स अपने तकिया अनुसार तर्क पूरी जिंदगी देते रहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर हम और आप बैंक का एक रुपए भी ना दें तो वो सीधा रात के सन्नाटे में हमारे तकिए के नीचे से हमारे फोन में एक नोटिफिकेशन दे देंगे कि हमने आपका पैसा आपके अकाउंट से काट लिया। और जब बात इन पूंजीपतियों की आती है तो हम सरकार से कोई प्रश्न ही ना करें, ये कहां का इंसाफ है। दोस्तों हम सभी वोट देते हैं और अपनी पसंद की पार्टी को चुनकर शासन में भेजते हैं, तो क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा किसने दिया, ताकि चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी किसके साथ काम करेंगी, ये जानने का हमें और आपको पूरा अधिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, क्या ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा? ये तो वही बात हो गई कि लाठी तो आपने दे दी मगर थर्माकोल की। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।